आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मैं कहता हूं यह सपना सिर्फ मोदी जी का नहीं, ये सपना हम सब का है, हर हिंदुस्तानी का ये सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का। इसी उपलक्ष में आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज से हम ये प्रतिज्ञा ले, प्रण ले कि सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स ही परचेस करेंगे। हम प्राइस भी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये कहां का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, इंडिया का प्रोडक्ट है, तो ही हम उसे परचेस करेंगे। और जब हम ये करेंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो घोषित किया है, उसके उपलक्ष में सबसे पहले दिन वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए घोषणाएं की थी, जिसका वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ दूसरे दिन भी सरकार ने वित्त मंत्रालय के द्वारा बहुत बड़ी घोषणाएं हुई है, किसान है जो हमारे देश का अन्नदाता है, उन सभी के लिए घोषणाएं हुई है। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, जो राष्ट्र निर्माण के काम में दिन रात लगे हुए हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो चुकी है। साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बूम आने वाला है दोस्तों, पूरी बात आज इस वीडियो में कर लेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, किसान मजदूर ये एक ऐसे वर्ग हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारे राष्ट्र निर्माण के काम में जुड़े हुए लोग हैं। तो आज वित्त मंत्रालय के द्वारा दूसरे दिन किसानों के लिए, देश के मजदूर हैं उनके लिए, और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार ने की है। सबसे पहले मैं बात कर दूं मजदूरों की, तो वन नेशन वन राशन कार्ड मिलने वाला है दोस्तों, 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हो जाएगी 31 मार्च 2021 तक, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी मजदूर, प्रवासी मजदूर कहीं भी है, वो किसी भी राशन शॉप से अपना राशन खरीद सकता है एक राशन कार्ड से, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड। साथ ही साथ प्रवासी मजदूर लोग हैं वो प्रवास करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो उन्हें रहने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सरकार ने उनका भी सॉल्यूशन निकाला है। काफी सस्ते दामों पर, काफी सस्ते रेंट पर ऐसे मकान उपलब्ध करवाए दिए जाएंगे मजदूरों के लिए, जिससे वो सुकून से रह सके। साथ ही साथ उनका जो वेज रेट होता है, कंपल्सरी वेज रेट, उनको भी बढ़ा दिया है। ईपीएफ में भी जो मजदूर है, ईपीएफ में जो रजिस्टर्ड मजदूर है, ऐसे बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट है, उनको ये लाभ मिलने वाला है, जिसका कंट्रीब्यूशन 12+12 24% का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी अब सरकार दे रही है। 3 महीने तक तो पहले सरकार ने ये घोषित किया था, एडिशनल 3 महीनों के लिए भी ये घोषित किया है, जिसका फायदा देश को होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग किसान है, देश के अन्नदाता है, आज हम सब लोग उनकी वजह से खड़े हैं। अगर वो फसल नहीं उगाता तो देश इस कोरोना की महामारी के सामने टिक नहीं सकता। किसान का एक महत्वपूर्ण रोल है, और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी इनकम को डबल करने के लिए मोदी सरकार ने एडिशनल इमरजेंसी 30,000 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत हर किसान को एडिशनल लोन मिलेगा बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम के अंतर्गत भी नए 25 लाख नए न्यू किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत किसानों को आसानी से कर्ज मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने संसाधनों में और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वो उसे पैसा काम आएगा, वो उसे यूटिलाइज करेगा, जिसका फायदा हमारे पूरे देश को होगा, पूरी इकोनॉमी को होगा। साथ ही साथ जो छोटे कामदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जिसे शिशु लोन मिलता है 50,000 रुपए तक का, अगर वो अर्ली रिपेमेंट कर देते हैं तो उसे भी इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी मिलने वाली है 2%,
ये भी इस घोषणा में ख्याल रखा गया है। छोटे व्यापारियों को जो लोन मिलता है 50,000 रुपए का, जिसे हम शिशु लोन कहते हैं, उनमें भी ये प्रावधान किया गया है, अगर वो ज्यादा से जल्दी से प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं तो उसे भी 2% की सब्सिडी देगी सरकार। साथ ही साथ जो ठेले वाले हैं, जो शाक भाजी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनके लिए भी सरकार एक स्पेशल क्रेडिट स्कीम लेकर आई है, जिसके अंतर्गत उसे 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए का प्रोवाइड करवाएगी। सरकार ने कहा है 1 महीने के अंदर ये स्कीम की सारी डिटेल्स सरकार देने वाली है, जिसके अंतर्गत ये जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे जो पटरी पे सामान बेचते हैं, उन सभी को ये फायदा मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो CLSS की स्कीम यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, जो होम लोन आपको सस्ते रेट पे इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी के दम पे जो आपको लोन मिलता है उसका भी हमने वीडियो बनाया है। तो उस स्कीम को जो जिन लोगों की इनकम 6,00,000 रुपए से 18,00,000 रुपए तक की है, उन्हें जो इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी मिलती है, जिसका पीरियड 31 मार्च 2020 था, उसे 1 साल से एक्सटेंड कर दिया है, जिसका फायदा देश के जो सीमेंट कंपनियां हैं, जो सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बेचते हैं, लेबर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब का फायदा होगा। सरकार ने कहा है 37,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपीस का वो कैश फ्लो करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इन लोगों को भी, जो लोगों ने लोन लिया उनको तो मकान मिल जाएगा, साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, सीमेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील वाले, उन सभी को फायदा मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा बूम देखने को मिल रहा है और ये जरूर होगा, देश की इकोनॉमी फिर से एक बार तेजी से चलेगी। दोस्तों बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने की है, जिसका फायदा किसान को मिलने वाला है, लेबर को मिलने वाला है, मजदूर को मिलने वाला है और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलने वाला है। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे के वीडियो में आएंगे, जैसे जैसे सरकार घोषणाएं करेगी वैसे वैसे हम ये आपके सामने हर एक स्कीम की डिटेल्स लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।